नमस्कार, मैं संगीता भावसार। नमस्कार, मैं स्पर्श भावसार। केंद्र सरकार ने जो पबजी गेम पर बैन लगाया हुआ है, इससे पेरेंट्स बहुत ही खुश हैं, क्योंकि बच्चे दिन भर पबजी गेम खेला करते थे, उससे उनके स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्तर पर भी बहुत बुरा असर हो रहा था। पबजी के कारण बच्चे कई घंटे बर्बाद कर देते थे, जिससे उनकी पढ़ाई पर भी काफी असर हो रहा था। इस बैन के लिए हमारा केंद्र सरकार को बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, सरकार द्वारा पबजी सहित 118 चाइनीज एप्लीकेशंस को बंद करने का बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है, उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे देश का भविष्य, हमारे देश की नींव, जो कि पबजी गेम के थ्रू किसी न किसी तरीके से खोखली की जा रही थी, बच्चों के माइंड में एक तरह का जहर फैलाया जा रहा था, वो चीज़ अब बंद हो जाएगी। अब बच्चे पबजी के बैन के बाद अपने माइंड को डाइवर्ट करके अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हुए कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने का सोचेंगे, कुछ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो बच्चों का माइंड एक ही जगह पर एक ऐसे मिशन को कंप्लीट करने में लग गया था जो कि अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं था, और किसी न किसी तरह से बच्चों की मनोवृत्ति के साथ, उनके माइंड के साथ एक खिलवाड़ हो रहा था। वो चीज़ अब बंद हो जाएगी पूरी तरह से, और हम ये कह सकते हैं कि हमने हमारे देश की खोखली होती नींव को बचा लिया है। बच्चों के हाथ में एक तरह से जहर की पुड़िया थी, वो धीरे 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 उसको ले रहे थे, उसका डोज बच्चों के माइंड तक असर कर रहा था, और इतनी बुरी तरह के से बच्चे प्रभावित थे, और बच्चों के साथ साथ पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी, बच्चे रात रात भर जाग रहे थे। वो सब चीज़ें अब अवॉइड हो जाएगी, और बच्चे जिस तरह से बिल्कुल अच्छे माहौल में अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचें, कुछ करें, अपनी लाइफ का सोचें, भविष्य का सोचें, उन बच्चों का सारा माइंड उस पबजी गेम पर ही बिल्कुल उसी पर कॉन्सेंट्रेट था उनका। वो चीज़ हट करके और अब उनको फील्ड दिखेंगे, हर चीज़ दिखेगी। बच्चे अपने आप में जीना भूल गए थे, वो चीज़ अब फिर से खुल कर उनकी लाइफ में आएगी, और हमने हमारे देश को बचाया है। थैंक यू, सरकार का फिर से एक बार आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही सराहनीय, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरा नाम निशा गुप्ता है, और भारत सरकार द्वारा जो पबजी सहित 118 चाइनीज ऐप को बैन किया गया है, ये एक सराहनीय कदम है, और मैं इसकी सराहना करती हूँ। साथ ही पबजी जो है, ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक था, क्योंकि ये एक मल्टीप्लेयर गेम था और बच्चे इसमें सतत इन्वॉल्व हो जाते थे। इवन मिशन कंप्लीट करने के लिए रात रात भर सोते तक नहीं थे, जब सोते नहीं थे तो सुबह उनकी नींद पूरी नहीं होती थी, दिन भर चिड़चिड़ापन बना रहता था, पढ़ाई में मन लगता नहीं था। और यकीनन पबजी गेम के बैन होने से हमारे जो बच्चे हैं वो एक इनोवेटिव काम करेंगे, अपने समय का और दिमाग का सदुपयोग करेंगे, और इस सराहनीय कदम के लिए भारत सरकार का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम सरोज अम्बेकर है। कल भारत सरकार द्वारा पबजी सहित 118 चाइनीज ऐप पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, वह सरकार का एक उठाया गया सराहनीय कदम है। भारत सरकार के इस निर्णय से हम सभी भारतवासी बहुत खुश हैं। भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पबजी की लत से हमारी युवा पीढ़ी भटक गई थी, उनका शारीरिक विकास रुक गया था, खेल कूद जैसी बाहर की गतिविधियां रुक गई थी, युवा पीढ़ी तनाव में रहती थी, चिड़चिड़ापन महसूस करती थी, एवं सामाजिक तथा घरेलू रिश्तों में दरारें आ गई थी। सरकार के इस निर्णय से अब युवा पीढ़ी का शारीरिक विकास भी होगा, पढ़ाई में उनकी उन्नति होगी, मानसिक एवं सामाजिक उन्नति होगी, तथा घरेलू रिश्ते सुधरेंगे। सरकार के इस निर्णय से हम सभी भारतवासी बहुत खुश हैं। सरकार के इस निर्णय से मैं पुनः
भारत सरकार का एवं श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सभी भारतवासियों की तरफ से अभिवादन करती हूँ एवं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।